સચિન તલંગપુર રોડ પર શાળામાંથી શિક્ષકે સમોસા લેવા મોકલ્યા હતા, જેમાંથી ત્રણ વિદ્યાર્થીઓની એક્ટિવા પેસો સાથે અથડાતા ત્રણે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા, જેમાં એકનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું. સચિન જીએડીસી પાસેની શ્રી સાંઈ ઇંગ્લિશ એકેડેમીના એક શિક્ષકે 31 ડિસેમ્બરના રોજ ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને સમોસા લેવા માટે મોકલ્યા હતા, જેમાં 15 વર્ષીય પવનસિંહ સુરતસિંહ આચાર્યનો દીકરો, 9 વર્ષીય નિકેત વિનોદ કુમાર અને 14 વર્ષીય પ્રદીપ યાદવ નામના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ એક્ટિવા લઈને સમોસા લેવા માટે ગયા હતા. સવારે 11 કલાકે શાળાથી 400 મીટર દૂર સચિનના સિદ્ધિ ગણેશ કોમ્પ્લેક્સમાં પાસેના તલંગપુર રોડ પર ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓ એક્ટિવા લઈને જઈ રહ્યા હોય એવામાં કેટલીક ભેંસો તેમની એક્ટિવા સાથે અથડાઈ હતી, જેથી ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓ ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. એક્સિડન્ટના કારણે પવનસિંહને બ્રેઇન હ્યુમન થવા પામ્યું હતું અને પ્રદીપ તેમજ નિકેતનના પગે ગંભીર ઇજાઓ થવા પામી હતી, જેથી ત્રણેયની સારવાર અર્થે પાસેની શિવમ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે પવનની હાલત લથડતા મહાવીર હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો હતો, પરંતુ પવનના પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવાથી તેને સુરત સિવિલ ખાતે ખસેડાયો હતો, જ્યાં તેનું સારવાર દરમિયાન ગત રાત્રે મોત નિપજ્યું હતું. મૃતક પવન સચિન જીઆઈડીસી એમકે પોઈન્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે પરિવાર સાથે રહેતા હતો. 4 બહેનોનો એકનો એક ભાઈ હતો. નાની વયે દીકરાનું મૃત્યુ થતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો હતો. ઉપરાંત શાળાની બદનામી ન થાય એ માટે શાળાના સંચાલકોએ મૃતકના પિતા સાથે સમાધાન કરી લીધું હતું. જોકે સ્ટુડન્ટનું મોત નિપજતા સિવિલ ખાતે હોબાળો મચી જવા પામ્યો હતો. શાળાના સંચાલકો સાથેના થોડા ઘર્ષણ બાદ મૃતકના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાવવાની મનાઈ કરી દીધી હતી. સરદારનગર કે પાસ મેં તલંગપુર રોડ પે ઉધર બતા રહે હૈ દેખા નહીં મેં ભાઈ કે આ ગઈ થી તો બતા રહે કે ભાઈ સે એક્સિડન્ટ હુઆ તીન બચ્ચે લોગ બેઠે થે વહી સમાન બતા રહે કે સ્કૂલ મેં સબ નાસ્તા લેને ભેજા હાં નાસ્તા પાણી સબ લેને કે લાને ભેજે થે સ્કૂલ વાલે ભેજે થે તો વહી ગયે થે 7 બજે સે 12 બજે તક સ્કૂલ થા તો 12 બજે તક હમ એન્જોય કરતે હૈ કે પઢ કે આ જાતે હૈ और जब 8:30 बजे एक्सीडेंट हुआ तो 9 बजे हमें पता मिला सीएम हॉस्पिटल गए. फिर सीएम से महावीर भेजे, महावीर का चार्ज ज़्यादा था तो फिर उधर से इधर आए. स्कूल वाले का कहना है अभी स्कूल वाले क्या वो तो बच्चे तो हमारा गया ही. अब स्कूल वाले क्या, स्कूल वाले अपन जैसे तो भरे समझे, अब कौन मेरा सहारा, कौन साथ देने वाला है. आपके बच्चे का नाम पवन सिंह. पवन सिंह जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी किसकी? वो गाड़ी अब कोई बच्चे लोगों को बता रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे लोगों को बता रहे हैं, स्कूल की होगी. अब ये तो वही लोग बताएंगे, अपने लड़के का नहीं, वो तो चला भी नहीं पाता था. कितने साल का था? 14-15 साल का, 8 में पढ़ता था. देखिए सर, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल आया तो उस समय उसके पास कोई अलाउ नहीं है कि किसी भी बच्चे को बाइक स्कूल में ले आने, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी तक स्कूल है. वो बच्चा बाइक लेके आया और सुबह खड़ा किया तो किसी को पता नहीं चल पाया, ना तो किसी शिक्षक को पता चल पाया, ना प्रिंसिपल को. क्यों? क्योंकि उसमें स्टाफ की भी बाइक होती है और उसमें वो बच्चों की भी बाइक थी, इसलिए क्योंकि कभी तो लाता नहीं था बच्चा. फिर उसके बाद टेस्ट पेपर देने के बाद बच्चा निकला और परमिशन यही है कि बिना पूछे बच्चा ना जाए ना, क्योंकि किसी की तबीयत खराब होती है तो बच्चा स्वाभाविक है जाते आते रहते हैं. तो फिर बच्चा वो निकला, टेस्ट पेपर समाप्त हुआ, बच्चा निकला और निकलने के बाद जैसे ही रोड पर पहुंचा गाय भैंस का झुंड आ रहा था और बच्चा डिसबैलेंस हो गया और उसमें जा कर के गिर गया. ये जो जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ किसकी थी बाइक? जो बच्चा चला रहा था, बाद में सुनने में यही आया हमें कि जो बच्चा चला रहा था बाइक उसी की थी. कितने घंटे बाइक पर? बाइक पर एक तो मेरा बच्चा खुद का था जो 9 साल का था, बीच में बैठ गया और वो बाहर किस तरह से बैठ गया अभी तक मुझे उसके बारे में रिपोर्ट नहीं है कि उसने कहा कि या किसने कहा बैठ जाने. जब वो घटनास्थल पर मैं जानकारी हुई, जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि मेरा बच्चा भी वहां पर पूरा बुरी तरह से फ्रैक्चर था एकदम. सुनने में आ रहा लड़के के बाप के कहने के मुताबिक स्कूल वालों ने उसको नाश्ता लेने के लिए भेजा था 31st मनाने के लिए. नहीं, ये गलत बात है. 31st बच्चे खुद मनाते हैं, शिक्षक के आदेश पर वो बच्चे नहीं जाते कि हमें. और ये बच्चों का खुद का उत्साह होता है, ना कि किसी शिक्षक के कहने पर वो बच्चे करते हैं. बच्चे बल्कि शिक्षकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सेलिब्रेशन सर कर लें कि ना करें, बाकी ऐसी कोई बात नहीं. सर, सुनने में आया कि ऐसे पहले भी स्कूल में एक दो बार लाइट में आ चुका है, कहीं प्रवास में कुछ बच्चे पर हमला हुआ था इधर बाहर? ना ना, ये बिल्कुल गलत बात. प्रवास अभी तक गया है, बच्चों को व्यवस्थित ढंग से आया, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है. हाँ, स्वाभाविक है, प्रवास जब जाता है तो आने में घंटा एक घंटा लेट फास्ट हो जाता है. बाकी आपने आपके किसी रिलेटिव बच्चे का कुछ स्कूल में छेड़ती का मैटर था, उसके अंदर भी कुछ स्कूल लाइट में आया था और आपने उसका सर्टी निकाल के बाहर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मैटर. हमारे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, अभी उनको क्या पता है कि ये सब क्या चीज़ें होती है.
प्राइमरी शिक्षक के बच्चे को ये सब क्या से मालूम होगा कि आठ कि ऐसी समस्या है? हाँ, जहाँ पर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बच्चे हों वहाँ पर हम मान सकते हैं, आप मान सकते हो। प्राइमरी शिक्षक के बच्चों में ये सब बिल्कुल आपने रॉन्ग सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।